बहुत बहुत स्वागत रविंद्र ने आप सभी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं जो अपनी प्रवेश परीक्षा की तैयारी जी जान से ताबड़तोड़ मेहनत से कर रहे हैं उनकी परीक्षा में थोड़ा सा मैं आपके सहयोग करना चाहूँगा। इस सहयोग की दिशा में आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान देनी बहुत आवश्यक हैं। कई तरीके के कई सवाल आते हैं, चाहे वो BA के एंट्रेंस की परीक्षा जो भी छात्र दे रहे हों, चाहे वो MA के एंट्रेंस की परीक्षा दे रहे हों, और चाहे LLB, BLLB, BCA किसी भी कोर्सेज में रीजनिंग का महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रीजनिंग का मतलब ये है कि जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो भी सवाल रहेंगे वो सारी की सारी परीक्षाओं में कॉमन ही सवाल होते हैं। जितनी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं जो भी कोर्सेज की होंगी वहाँ पर रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। 25 सवाल आते हैं, आप लोगों को ध्यान जानकारी मिली होगी, 25 सवाल होते हैं, दो दो नंबर के रहते हैं। कई जगह इसका पोर्शन बढ़ा दिया जाता है, कई जगह इसका प्रोपोर्शन कम कर दिया जाता है। तो मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे, अगर आप उस टॉपिक को देख कर जाएंगे तो पेपर में सारे के सारे सवाल उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ये मेरा वादा है और मेरा विश्वास है, और आपका अगर दृढ़ निश्चय होगा, अगर आप इसको जरूर देख के जाएंगे तो आप बाद में बहुत लाभान्वित होंगे। मैं अभिनव द्विवेदी हूँ और शायद आपको जानकारी भी होगी, आज से हम एक वीडियो की सीरीज शुरू कर रहे हैं, किस पोर्शन पे हमको क्या फोकस करना है। तो सारे कोर्सेज के विद्यार्थी इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और जो भी तैयारी कर रहे हैं आपकी तैयारी में ये बहुत ही सहायक रोल अदा करेगा। तो मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, जो मेंटल एबिलिटी की जो परीक्षा होगी, जो उसका पेपर आएगा, तो पहले तो जो सवाल के जो टाइप रहते हैं, मैं मेन मोटे मोटे तौर पे आपको वही बताऊँ किस टाइप के सवाल आपके पेपर में आएंगे। जो 25 सवाल आपके आने वाले हैं वो किस टाइप के सवाल रहेंगे, अगर आप उस पोर्शन को देख के जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। पहला है कि कोडिंग, जो कोडिंग अल्फ़ाबेट है इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। कोडिंग अल्फ़ाबेट का मतलब ये है कि टीचर दे दिया गया, उसके बाद एक और वर्ड दे दिया गया, तो यानी कि A का मतलब M, N का मतलब O, इस तरीके से सवाल रहेंगे। तो आपको एक तीसरा वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको निष्कर्ष निकालना होगा। तो कोडिंग आप ध्यान दे दीजिएगा, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर रहता है, इससे आपको 2 से 3 सवाल पेपर में पक्का मिल जाएंगे। कोडिंग ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, ये पहला हो गया, 2 से 3 सवाल इस पर पक्का मिलने वाले हैं। कहीं कहीं पेपर में 5 सवाल भी आ जाएंगे कोडिंग से, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आकृति, आकृति का मतलब ये है फिगर से रिलेटेड सवाल रहेंगे। फिगर का मतलब ये है कि कोई आकृति दे दी गई और उसमें आपको जो है ये बताया जाएगा कि कौन सी कट कौन सा मैच कर रहा है, तो आकृति से रिलेटेड सवाल रहेंगे, तो फिगर से रिलेटेड सवाल आप जरूर देख लीजिएगा। तीसरा जो है आपका टॉपिक है वो है दिन का टॉपिक, यानी कि डे कौन सा पड़ेगा, 1 नवंबर 2019 को ये दिन था तो 21 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन रहेगा, तो डे आप ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 सवाल आपको डे पे मिल जाएंगे। LLB वाले विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, BA वाले जो छात्र हैं वो बहुत कॉमन तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, जरूर देख के जाइएगा, डे से सवाल कम से कम 1 से 2 आपको मिल जाएंगे परीक्षा में, चाहे जिस भी कोर्स का आप एंट्रेंस दे रहे हों। अगर रीजनिंग का उसमें है पोर्शन तो ये सवाल आपको जरूर मिलेंगे। चौथा है आपको ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में ऐसे नहीं देंगे, माता पिता और बच्चे के बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी आकृति दे दी जाएगी आपको। डॉक्टर पेशेंट और राज्य के बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी आकृति दे दी जाएगी आपको, तो बहुत ध्यान देना है ब्लड रिलेशन की आकृति। ब्लड रिलेशन से कम 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। पिछली साल MA की प्रवेश परीक्षा में ब्लड रिलेशन से 3 सवाल पूछे गए थे, आकृति से 4 सवाल पूछे गए थे, LLB के पेपर में भी बहुत सारे सवाल आए थे, और BA के एंट्रेंस में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। पांचवा है मिसिंग वर्ड, लुप्त पद, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का मतलब ये है कि इसमें आपको ट्रिक लगाना रहता है। ट्रिक लगाने का मतलब ये है कि जैसे 1 के बाद फिर आएगा 2 की बात फिर 1 आएगा, फिर आपको यहाँ पे जैसे स्क्वायर की टाइप का अगर आपको उसमें ट्रिक लगा सकते हैं तो इस तरीके से ट्रिकिंग होगी। यहाँ पे गैपिंग नंबर के बीच में जैसे 2 नंबर की गैप है, फिर 3रे नंबर का गैप है, फिर 4 नंबर का गैप है, तो 5वें नंबर पे 5 नंबर का गैप होगा, तो इस वजह से आपको आइडिया एक कॉमन मिल जाएगा। और सवाल इतने आसान रहते हैं कि आप उसको अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे, आप उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, बस हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए, समय भी आपके पास बहुत रहता है। छठवां है आपको डायरेक्शन का, दिशा का सवाल आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो दिशा के जो सवाल हैं वो आपकी प्रवेश परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। 2 से 3 सवाल आपको दिशा से मिल जाएंगे, जो 25 सवालों का जो पूरा अनुपात है उसमें 2 से 3 सवाल आपको दिशा से मिल जाएंगे। दिशा आप देख लीजिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल आपको पक्का मिलेंगे पेपर में।
इसके बाद है संगत और असंगत, क्या मैचिंग करता है क्या मैचिंग नहीं करता। यानी कि डॉक्टर के पास पेशेंट आता है और अध्यापक के पास क्या जाएगा, फिर आगे गैप दीजिए तो अध्यापक के पास शिष्य जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, अच्छी तरीके से आप इसको संगत और असंगत देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कि वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी एलएलबी का एंट्रेंस दे रहे हैं, जो भी एमए का एंट्रेंस दे रहे हैं, वो बहुत विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। वेन डायग्राम से पिछले साल दो भाग में 10 सवाल आए थे, यानी कि दो वेन डायग्राम बना के दे दिया गया था, पांच पांच पार्ट में उसको बांट दिया गया था कि इसका किससे क्या संबंध है, इसका क्या इससे संबंध है। एक पार्ट में 5 सवाल रहते हैं, एक वेन डायग्राम बनेगा उससे 5 सवाल आपको पूछ लिया जाएगा, आप ये ध्यान दे दीजिएगा। ग्राफ से भी सवाल आ सकते हैं, ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, उसके बाद कौन सा किसका औसत है, क्या किसका अनुपात है, किस में ज़्यादा संख्या है, ग्राफ से भी सवाल आ जाएंगे। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलबी और एमए वाले बहुत विशेष ध्यान दें, बीए वाले भी वेन डायग्राम आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म से आपको 2 से 3 सवाल मिलेंगे, यानी कि कई की परीक्षाओं में 1 से 2 सवाल रहते हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये सारे आपके रीजनिंग के पोर्शन हैं, अगर आप इस चीज़ सारी चीज़ों को अगर देख कर जाते हैं तो ये मेरी उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि इससे बाहर से सवाल आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी को करते रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मन करेगा तो, अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लगा हो तो। इसके साथ साथ शेयर भी करिएगा, जुड़े रहिए, विश्वास बनाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आप जैसे होनहार छात्रों की विश्वविद्यालय को बहुत आवश्यकता है और यहाँ पर होनहार छात्र हैं भी। एक विश्वास के साथ, एक समन्वय के साथ, एक दृढ़ता के साथ आइए यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है आपको, प्रवेश परीक्षा की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। धन्यवाद।